नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे AI या PGET की बात करेंगे कि इसकी प्रिपरेशन किस प्रकार से आपको करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से आपको शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत करनी कहाँ से है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब बात अपन करेंगे। और ये बात अपन इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि हम लोग जो है ये अभी क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह भी फिक्स नहीं है, काफ़ी स्ट्रेस आ रहा है दिमाग पे, तो ये एक PG की तैयारी एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी स्टेज में आप अगर पढ़ रहे हो तो काम आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम का अभी डेट पता नहीं है तो पढ़ाई होती भी नहीं उस हिसाब से, और घर बैठे बैठे काफ़ी शेड्यूल नहीं बन पा रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो PG की जो है कोर्स एज ए कोर्स अपन कर रहे हैं, और इसमें जो है तीन चीज़ें आपको मिल रही हैं। पहले तो हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे, रेगुलर डेली डेली मिलेंगे, जैसे आज मिल गए कल नहीं मिल पाए, हो मिले तो ठीक है, नहीं मिल पाए तो परसों मिल जाएं एक या दो दिन के गैप से। दूसरा जो है ऑडियो एक्सप्लेनेशन उनका मिलेगा, ठीक है, उसको आप सिंपली जैसे सुन भी लोगे तो अच्छा दिमाग में रिटेन करेगा। तीसरी चीज़ जो है वो जो पीछे के क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर सैम्पल क्वेश्चंस और कोई है ना, तो उनकी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाएगी है ना, और उन पे डिस्कशन भी होगा ग्रुप के अंदर ही। अच्छा, इसके लिए अपन ने क्या है कि एक नॉमिनल फीस भी रखी है, बहुत माइन्यूट फीस है, तो वो इसलिए है क्योंकि जो ज़्यादातर अगर अपन अपन टोल फ्री ऐसे ग्रुप बना लेते हैं उसमें काम शुरू करते हैं तो उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे लिंक डालने वाले एडवर्टाइजमेंट के लिए इस प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन एक नॉमिनल फीस रखेंगे तो सीरियस लोग जो हैं वही आएंगे इसमें, ठीक है, जो वाकई में सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति, पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसी के लिए ये आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा है ना, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए काम किया जा रहा है। आप अगर वैसे भी बैठ के PG की वगैरह की प्रिपरेशन करोगे तो अच्छा लगेगा आपको भी, और किस प्रकार से करनी है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा है ना। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस किस प्रकार से है। तो सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है चरक संहिता से। ये उस केस में है जैसे कि आपने फोर्थ ईयर पास आउट हो या फिर आप फाइनल ईयर में हो, ठीक है, अगर आप थोड़ा पहले हो तो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, बाकी क्योंकि चरक ही ठीक रहती है और चरक से ही पढ़ना चाहिए, हम भी बताएंगे तो चरक से ही बताएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सुश्रुत है, उसके बाद और उसके बाद है वाग्भट, इन तीनों को अपने को पढ़ना होता है कंपेरिटिवली, ठीक है, तुलनात्मक रूप से पढ़ना है कि सुश्रुत ने इस बात को क्या कहा है, चरक ने कैसे कहा है, ठीक है, वाग्भट ने क्या बताया है। वाग्भट में विशेष रूप से अष्टांग हृदय की बात अपन यहाँ कर रहे हैं, हालांकि अष्टांग संग्रह वगैरह भी अपने को देखना होता है, लेकिन पहले शुरुआत में अगर कर रहे हैं तो ठीक है। इसके बाद में अष्टांग हृदय में अगर बात बता दूं मैं आपको, अष्टांग हृदय पूरी रहती है, ये ना समझें कि सिर्फ सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान फर्स्ट ईयर में है ओनली, इसके बाद जो अगर PG की बात करें तो उसमें पूरा ही आएगा है ना, आगे जितने भी उसके स्थान है वो। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसके बाद में सब्जेक्ट्स की, तो इसके बाद में जो सब्जेक्ट हैं वो द्रव्यगुण, द्रव्यगुण जो है वो विशेष रूप से सिनोनिम्स इसके बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इसमें जो है आचार्य प्रियव्रत शर्मा की जो बुक है, प्रियव्रत शर्मा की बुक में काफ़ी डिटेल में दे रखा है, तो सिनोनिम्स पे स्पेशली फोकस करना है द्रव्यगुण के लिए, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं, और इसके अलावा भी द्रव्यगुण एलोबरेटेड फॉर्म में पढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा डिटेल में जाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए द्रव्यगुण पे फोकस करें। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वो रसशास्त्र है, हालांकि रसशास्त्र जो है आता सरफेसली है, ज़्यादा गहराई से नहीं पूछते हैं, लेकिन रसशास्त्र वेटेज वाइज अच्छे जो है क्वेश्चंस उसके पूछे जाते हैं। आयुर्वेद के इतिहास की बात करें तो इसका भी एक अच्छा खासा रोल रहता है ना, तो ये भी आता है। इसके अलावा ये आयुर्वेद के नाम पे ये सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लेते हो तो आप एक अच्छी पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद में अगला जो मेजर पोर्शन बैठ जाता है वो मॉडर्न सब्जेक्ट का होता है, ठीक है, इनका काफ़ी रोल रहता है मॉडर्न सब्जेक्ट्स का भी PG में। तो मॉडर्न सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप हमारे थ्रू आ रहे हो तो आपको नोट्स प्लस इसमें आपको ऑडियो वीडियो जो क्लासेस हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि मॉडर्न के लिए मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं वीडियो क्लासेस की आवश्यकता थोड़ी पड़ जाती है ना। तो ये बात हो गई यहाँ तक की, तो ये तो सब्जेक्ट्स की बात हो गई। अगर आप कुछ वो हो तो घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो ये आप पढ़िएगा, और इसी सीक्वेंस में आप पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उस केस में आप सैम्पल नोट्स जो है वो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, लिंक डाल रखी होगी नोट्स करके, उस पर आप जाके देख लीजिएगा, हम उस प्रकार के नोट्स आपको देंगे, ठीक है। तो मेरे अंदाजन आप कलेक्टिवली जो है
अप्रोक्सीमेट 3 महीने या फिर 4 महीने अगर कंटिन्यू हो जाता है प्रोग्राम, क्योंकि कल को अगर पता चले कुछ और स्थिति ऐसी आ गई कि ना कर पाए तो वो तो अलग बात है, बाकी अगर 3-4 महीने कंटिन्यू हो जाता है तो आप मोर देन 50-60% जो है आपके पास में प्रॉपर नोट्स और प्लस में एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी कि आपको पढ़ना कैसे है ना। तो ये है। इसके अलावा अगर आप, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी व्हाट्सएप पे आके कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, वो कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके अलावा फ़ीस की बात करें तो लगभग 2 रुपया प्रतिदिन आपकी फ़ीस है ना, अप्रोक्सीमेट 60 रुपये 1 महीने के, ठीक है। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि नहीं साहब हमें तो गलत हो गया, हमें तो कुछ गलत गलती कर दी हमने ऐसा डिसीजन लेके, तो वो भी आपको हम वापस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे परेशान नहीं होना है, तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन विजिट कीजिएगा और कोई समस्या होती है तो आप हमसे निश्चित रूप से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।